हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों, न्यूज शुरू करने से पहले प्लीज अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बिल्कुल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे रोना आ गया, मैं जाके पानी मारता हूँ अपने आंखों में। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे यूट्यूबर की पोल खोलने जा रहा हूँ जो टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा फेक न्यूज पाता है। दोस्तों, इसका नाम है टेक विद शाहबाज। आइए सुनते हैं ये अपनी वीडियो में क्या बोलता है। काल थी, भारत सरकार ने इसे और आगे बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि भारत में चल रहे चीनी मूल के सभी ऐप की गहन समीक्षा हो, रूप से उन चीजों को तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर रखें। टिकटॉक टिकटॉक के रूप में दिखाई दे सकता है या पब एक परिचित लेकिन अलग रूप में दिखाई दे सकता है। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि चीन का अन्य तरीकों से युद्ध जारी है, केवल इस बार अग्रिम रूप से प्रतिबंधित करना अधिक। टेक विद शाहबाज ने 6 मिनट की इतनी लंबी बात बोली ना, पर इसमें एक बार भी ये नहीं बोला कि टिकटॉक कब आएगा। अरे यार, इतना भाषण दिया दोस्तों, इतना तो सबको पता है कि चाइना हरकतें करता है युद्ध करने की, ये सबको पता है। यार भाई, मुझे इतना बता दे टिकटॉक कब आएगा। और रुको दोस्तों, इसने कल की वीडियो में ये कहा है कि टिकटॉक 1 सितंबर को आने वाला है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद दोस्तों, टिकटॉक 1 सितंबर को कमबैक कर सकता है। काफी सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि शायद टिकटॉक अगस्त में कमबैक कर लेगा, पर शायद मुझे अभी नहीं लगता कि टिकटॉक कमबैक कर पाए। तो शायद दोस्तों, ये जो अगला महीना आने वाला है सितंबर का, इस महीने में टिकटॉक कमबैक कर सकता है। तो दोस्तों, इसने बोला है 1 सितंबर को शायद टिकटॉक इंडिया में आ जाएगा। शायद नहीं, हमें पक्का बता भाई, 1 सितंबर क्या, तू पूरा सितंबर महीना ले ले, अगर टिकटॉक इंडिया में आ गया ना तो मुझे बता देना और मैं अपना यूट्यूब अकाउंट बंद कर दूंगा। दोस्तों, अगर इसके कहने से सितंबर के महीने में टिकटॉक इंडिया आ गया तो, अरे यार, ये कितना फेक न्यूज पा रहा है ना दोस्तों, मुझे खुद को भी नहीं पता। ये तो परसों की वीडियो थी, इसने कल की वीडियो में क्या बोला मैं आपको दिखाता हूँ। बाइटीडांस ने पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक में एक नए ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था। ऐसा माना जा रहा है कि टिकटॉक भारत में वापसी कर सकता है, हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यानी दोस्तों, इस बारे में टिकटॉक की वापसी के बारे में अभी तक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटीडांस की तरफ से कोई भी अनाउंस नहीं हुआ है। आईटी नियमों का पालन करने का दिया आश्वासन। दोस्तों, इसने लगातार 5 वीडियो में यही बोला है कि टिकटॉक कमबैक करेगा, टिकटॉक आने वाला है। और बाटी बाटी, ये कौन है बाटी, इसके साथ मिलके इंडिया में आएगी। अरे दोस्तों, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है इसको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तुझे पता लगे ना टिकटॉक इंडिया में कब आएगा, तभी न्यूज पाया कर। ऐसे बेफालतू की ज्ञान बटोरने की हमें लोड नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब करते हो और मुझे नहीं, है ना? आप मुझे भी तो सब्सक्राइब करो कम से कम, मैं इन लोगों की पोल खोल के आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसको कुछ नहीं पता है, ये लगातार 5-6 वीडियो में यही बोलता आ रहा है कि टिकटॉक इंडिया में आएगा, और हमें भी यही उल्लू बना रहा है कि 1 सितंबर को आएगा। अरे पूरा सितंबर ले ले, अगर सितंबर में टिकटॉक इंडिया में आ गया ना तो मैं अपना यूट्यूब अकाउंट बंद कर दूंगा, और कुछ नहीं है। ऐसी झूठी न्यूज मत पा मेरे भाई, बस कम से कम मेरा ना दिमाग मत खराब कर भाई, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देख टेक विद शहबाज, मेरी बात सुन, जब तुझे ना असली न्यूज मिले ना टिकटॉक इंडिया में आ रहा है, तब वीडियो पा, उससे पहले ये फालतू की ज्ञान वाली बातें तो बिल्कुल मत बता, बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी नहीं बता यार, ऐसा दिमाग खराब कर रहा है यार तू, बस और कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो बस यही कहूँगा दोस्तों, ऐसे बेकार यूट्यूबरों की ना हमें बात नहीं सुननी चाहिए। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस दिन टिकटॉक की और हेलो ऐप की या चाइना की जितने भी ऐप की वापसी की खबर होगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए ऐसे लोगों से ना आप लोग दूर रहो।